हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, विभिन्न जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं और बहुत सारा अभी जो है वैकेंसी आ रहा है, आप सभी देख रहे हैं। और बहुत सारे कमेंट किए थे मुझे कि सर जो है गणित पर आप वीडियो बनाइए, तो चलिए आप ही की डिमांड पर जो है लाभ हानि का पार्ट टू आज हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन ये अलग है, मतलब ये बहुत बार जो पूछा गया है, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग कुछ भी चीज़ जो बातें कही जाती है उन सारी चीज़ों को सुना करिए। आप लोग करते क्या है कि चलिए सीधा पढ़ने चलते हैं तो उसमें समझ में नहीं आता। महत्वपूर्ण चीज़ें ये है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं सूचनाएँ भी बताऊँगा आपको कि पिछला वीडियो जो मैं पढ़ाया था आपको महिला पर्यवेक्षक में, उस गणित को प्ले लिस्ट में, वीडियो के प्ले लिस्ट में आप जो गणित लिखा हुआ है अब खाली उसमें मैं शिफ्ट करने वाला हूँ। तो आप कभी भी गणित देखेंगे तो जो गणित का सेक्शन बना हुआ है वीडियो के प्ले लिस्ट में, वहाँ जा करके देखिएगा। अगर आप SSC, NTPC, रेलवे ग्रुप डी या व्यापम या PSC या विभिन्न राज्य में जो भी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सब के लिए काम आएगा। और ये जो आज हम लोग गणित करने वाले हैं, आपके SSC ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसे को हम सॉल्व करेंगे। बस जो है मैं नंबर को बदल दिया हूं, बाकी सेम क्वेश्चन वही है। तो आज हम लोग देखेंगे लाभ और हानि का भाग दो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे, हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग क्या करें, देखिए एक माइंड सेट हो जाता है हमारा कि ये तो गणित है, हमसे बनने वाला नहीं है। ये माइंड को हटा दीजिए। ये माइंड जब आपका सेट नहीं होगा तो अपने आप गणित समझ में आएगा। एक्सरसाइज कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जो एग्जाम में आए हैं उसी को बताइए, एक्सरसाइज करेंगे तो आपसे खुद बन जाएगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग प्रश्न को पहले हमको पढ़ना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है आपको। देखिए एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा, अब देखिए यहाँ पूछ क्या रहा है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 15:25 है। कितना है? कितना है? 9 है। 15:9 है। यदि वस्तु पर 360 रुपए की हानि होती है तो बताइए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्यों का जोड़ रुपये में कितना होगा। अब ये देखिए आपका ऑप्शन दिया है ये आपके आंसर के लिए, तो इसे जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को, पहले हमको समझना है। मैं आपको बहुत बार बताता हूं कि आप जो है प्रश्न को धैर्यता से समझिए, इसका ट्रिक भी बताऊंगा मैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। पहले तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। तो देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कह रहा है। अनुपात मतलब दोस्तों रेशियो इंग्लिश में, तो मैं हिंदी में आपको बताता हूं क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य का कितना बता रहा है, 15 है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बोला है ना यहाँ, तो क्रय मूल्य मतलब जो पहले दिया है ये क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य मतलब ये वाला जो है 9 आपका, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो दोस्तों जाहिर सी बात है किसी वस्तु को अगर हम 15 रुपए में खरीदेंगे, यहां पर देख लीजिए, अब सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। अब देखिए किसी वस्तु को हमने कितना रुपये में खरीदा, 15 रुपये में खरीदा, अनुपात कह रहा है, और 9 रुपये में हमने बेच दिया, तो हमको 15 में 9 घटाएंगे तो हमको हानि होगी। तो कितने की हानि होगी, 6 रुपये की। अब देखिए सबसे पहले 6 रुपये की हानि रुपया में बता रहा हूँ ना, लेकिन यहाँ अनुपात में दिया है तो रुपया लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ 15 अनुपात कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:9 कितना है, 9 है। तो 15 में हमने खरीदा और 9 में हमने बेचा, तो जाहिर सी बात है दोस्तों क्या होगा, बताइए आप ही लोग क्या होगा, आंसर देंगे, हानि होगा। 15 में हमने खरीदा है और 9 में कम में बेच रहे हैं, तो हानि कितना हुआ, 6 हुआ हमको। तो अनुपात जो है, अब देखिए समझाने के लिए मैं रुपया लिखा था लेकिन यहां दिया क्या है, अनुपात। तो रेशियो हमारा क्या आ गया, अनुपात कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। अनुपात कितना आया, 6 आया। अब चलिए देखते हैं इस 6 अनुपात में, इसी 6 अनुपात में कितने रुपये की हानि हो रही है, तो 360 रुपये की हानि हो रही है। कितने रुपया की हानि हो रही है हमको, 360 रुपए की हानि हो गई। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए 6 अनुपात में हमको हानि कितना हो रहा है, 360 रुपए यहां से दे दिया गया है। तो अब बताइए एक अनुपात में, मतलब एक रेशियो में अगर हम निकालेंगे, अगर मान लीजिए हम एक अनुपात का निकालें तो एक अनुपात में कितना होगा, 360 बटे, अब क्या करेंगे हम लोग, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6×6=36, 60। तो एक अनुपात में कितना आ गया, 60। एक अनुपात में कितना आ गया, 60। देखिए 6 रेशियो में 6 अनुपात में 360 की हानि हुई, तो एक में ज्ञात करेंगे तो 360 में 6 से भाग देंगे तो 60 निकल गया, एक का निकल गया। अब क्वेश्चन पूछता क्या है, ध्यान रखिएगा, अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ कह रहा है, ध्यान रखना है आपको जोड़। तो देखिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहां से दिया है आपका, तो देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जोड़ देखिए आप,
तो क्या है यहाँ पे 15 और धन 9 को जोड़ दीजिए दोस्तों। इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा इसको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए ये 15 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो गया, 24। तो देखिए 24 अब हो गया, हम एक अनुपात हमको यहाँ से ज्ञात किए हैं, तो 24 अनुपात का क्या हो जाएगा, 24 गुणा ये वाला आप देख रहे हैं एक, देखिए 6 अनुपात में 360 रुपये की हानि हुई। तो पहले हम एक अनुपात का निकालें, तो यहाँ अब 24 दिन का निकालेंगे ना, तो 24 में 60 का क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा। अब देखिए 6 चौक 24 की 4, 2 6 2 12 2 14, मतलब 144, एक शून्य है तो शून्य लगा दीजिए, तो कितना आ गया। अब कह रहे देखिए मूल्यों का जोड़ जो है रुपये में कितना होगा, तो रुपये में कितना होगा, 1440 रुपया होगा। अब देखिए आपका आंसर किस में है, देखिए बी में है क्या, नहीं है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, ए में देखिए 1440 रुपया है, तो ए आंसर आपका सही आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, हेल्पफुल है, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है हमारा वीडियो, तो लाइक करके हमें प्रमोट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि यह वीडियो का लाभ वो लोग भी ले सकें। अब चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दूसरा प्रश्न, तो देखिए दोस्तों प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आपको आएगा। देखिए एक परीक्षा आयोजित हुआ जिसमें 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 30% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, 25% दोनों में उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, दोनों में हुए 25%। अब उत्तीर्ण प्रतिशत हमको निकालना है। तो दोस्तों इस तरह से वीडियो को, इस तरह से जो प्रश्न आएगा, अगर हम लोग वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह से जो प्रश्न आएगा वो कैसे बनेगा, तो सीधा ट्रिक बता रहा हूं मैं, पेन उठाने की भी बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। तो देखिए दोस्तों चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इस तरह से वीडियो आप पाना चाहते हैं। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, कर रहे हैं आप, तो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराया जाता है हमारे द्वारा, वीडियो डाला जाता है, तो इस तरह से वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमसीक्यू भी डालते हैं, पूरा ऑल चीज आप जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हमारा। तो चलिए इसमें सीधा सीधा शुरू करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इस तरह से अगर पूछा जाता है, तो देखिए अगर उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है, तो पहला उत्तीर्ण ध्यान रखेंगे, पहला उत्तीर्ण प्लस दूसरा उत्तीर्ण, ध्यान रखिए जो बता रहा हूं उसको, पहला उत्तीर्ण प्लस दूसरा उत्तीर्ण प्लस फेल, प्लस दोनों में जो फेल होगा या फेल होगा उसको जोड़ के 100 घटा देंगे, तो ये निकल जाएगा उत्तीर्ण वाला। अगर आपको उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा उत्तीर्ण प्रतिशत, अभी देखिए आपको उत्तीर्ण प्रतिशत पूछ रहा है। अगर मान लीजिए आपको अनुत्तीर्ण प्रतिशत पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, पहला अनुत्तीर्ण दूसरा अनुत्तीर्ण प्लस उत्तीर्ण, पहला अनुत्तीर्ण, पहला लिख लीजिए पहला अनुत्तीर्ण प्लस दूसरा अनुत्तीर्ण और प्लस क्या करेंगे उत्तीर्ण, आप उसमें जो है माइनस कर देंगे सब को दोस्तों। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आएगा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण, तो इस फार्मूला में आप बना सकते हैं। एक्चुअल फार्मूला नहीं बता रहा हूं आपको मैं, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखिए एक परीक्षा आयोजित हुआ जिसमें 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो अब देखिए प्रतिशत मतलब 40 अनुत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण कितना होंगे, आप ही देखिए 40 जब अनुत्तीर्ण हो गए तो 60% क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा, प्लस देखिए पहला उत्तीर्ण कह रहे हैं, अब दूसरा उत्तीर्ण निकालेंगे, इसमें उत्तीर्ण निकालना है। अब देखिए विज्ञान में कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए हैं, 30, तो अब बचा हमारे पास कितने पास हुए, 70%, अब प्लस कर दीजिए। अब फेल वाला तो देखिए दोनों में कितना है, इसको देख लीजिए 25%, अब हो जाएगा माइनस 100, इसी में क्या कर देंगे हम, माइनस 100 मतलब घटा देना है, पहले ही बताया हूं आपको। अब चलिए देखते हैं 60 में 70 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130, और 130 में 25 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 155, अब 155 में माइनस कर दीजिए 100 को तो आ जाएगा 55%, कितना प्रतिशत आ गया, 55%, यही 55 जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए डायरेक्ट पेन उठाने की जरूरत है कि आपको, बिल्कुल भी नहीं है, तो आप देख लीजिए इसको सीधा सीधा किस में है, ए में नहीं है 65 है, बी में 45 है, सी में 55% है, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से वीडियो जो है आपको लगातार कंटिन्यू प्रोवाइड कराते रहूंगा मैं। फूड इंस्पेक्टर का जो तैयारी कर रहे हैं वो सिलेबस के अनुसार उनका भी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, साथ ही साथ जो भी एग्जाम निकलेगा वो सारे के लिए वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग MCQ के साथ और पूरा वो जो है GK और GS का होगा और डिटेल के साथ मिलेंगे, तो बिल्कुल उसे ज़रूर आप देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।